दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज बैठक हुई है, जिसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ अभय वर्मा जी हैं। सर, आप लोगों की आज बैठक हुई है कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर क्या डिमांड है? देखिए, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला यान बना और कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में भारत की प्रशंसा हुई है। हमें लगता है कि इसरो के साइंटिस्ट, इसरो में कार्य करने वाले कर्मचारी और दिन रात जो उनकी मेहनत और परिश्रम हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा के सदन से उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन होना चाहिए। क्योंकि अगर सदन से अभिनंदन होगा तो वो उनका मन, उनका बल, उनके अंदर उत्साह अधिक आएगा। और सदन का काम है, दिल्ली की जनता चुनती है विधायकों को ऐसे ही मौके पे अपनी बात रखने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर सदन की बैठक होगी और जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे इसरो के रात दिन मेहनत करने वाले कर्मचारियों को पता चलेगा कि दिल्ली विधानसभा से हम सबको अभिनंदन किया गया है, तो वो बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। और आज तो पूरा देश जश्न मना रहा है, तो जब देश जश्न मना रहा है तो दिल्ली विधानसभा क्यों ना मनाए। इसलिए हमने आग्रह किया है कि आप विशेष सदन बुलाएं। विशेष मौकों पर दिल्ली सरकार की तरफ से विशेष सदन बुलाया गया है 1 या 2 दिनों के लिए, और उसमें आप लोगों की हमेशा मांग रही है कि आप लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, जरूरी विषय पर चर्चा नहीं किया जाता, तो इस बार आप लोगों को कितना उम्मीद है? देखिए, केजरीवाल जी मुँह दिखाने के लायक नहीं है। जबरदस्ती G20 की सफलता के लिए अपने लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं, कहाँ 5,000 करोड़, कहाँ 40 करोड़। तो केजरीवाल जी एक विफल मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने शीश महल बनाने में 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, तो हम उनसे बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि देश के नाम पे 140 करोड़ जनता जिस विषय को लेकर जश्न मना रही है, केजरीवाल जी का भी बुद्धि खुलेगा और वो सत्र बुला के एक बार सदन के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद करेंगे। संयुक्त तौर पर कोई पत्र वगैरह भी लिखा? निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष ने एक लिखा है और केजरीवाल जी से आग्रह किया है कि आप विशेष सत्र बुलाएं। सवाल के भारत सरकार के आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें किया गया है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर है। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा साहब वो कह रहे हैं कि बीजेपी रेवड़ी कल्चर का जिक्र करती है, लेकिन फिर भी दिल्ली में सबसे कम महंगाई दर है, इसका कैसे? देखिए, अब रिपोर्ट क्या आई है वो तो मैं देखा नहीं हूँ, आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर महंगाई कम, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। दिल्ली ना खेती करती, दिल्ली के पास ना कोई साधन नहीं है, ये आप भी जानते हम भी जानते हैं। अगर दिल्ली में सस्ती चीज मुहैया कराई जा रही है तो वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के माध्यम से कराया जा रहा है और वहाँ इनकी सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर महंगाई कम है तो केंद्र की भूमिका के कारण है। दिल्ली सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती, नहीं तो दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट दे, कितनी सब्जियाँ में होती है, कितने अन्य दिल्ली में हैं, कुछ नहीं है। ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये था पीठ थपथपाने का काम बंद चड्ढा जी सच्ची को लेके आए, वो जवाब दें प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है, वो जवाब दें यमुना साफ क्यों नहीं हो रहा है, वो जवाब दें दिल्ली की क्यों बन रही है, वो जवाब दें उनका जो मोहल्ला क्लिनिक सुचारू से क्यों चल रहा है, वो जवाब दें टेस्टिंग क्यों है मोहल्ला क्लिनिक, वो जवाब दें कि बीमार लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत प्रश्न है उनके साथ, महंगाई इशू उनका है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली कोई पैदावार नहीं है, कोई अन्य और खाद्यान्न चीज़ों का मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी आदत पड़ गई है, जैसे 5,000 करोड़ सरकार ने G20 को बनाया तो वो अपना थपथपा, तब उनसे पूछा जाता है कि भाई ने कितने किए, मुख्यमंत्री जरा बताइए ना, आप एक बार भी अपने घर ले क्या G20 के कामों दौरा और देख करने के लिए? रात LG रहे, आप क्यों दिखे, आपके मन क्यों नहीं दिखे, जब रोड बना तो फोटो खिंचाने पहुंच गए। आते बहुत है, लेकिन सत्य है कि पूरी तरह से ये केजरीवाल सरकार बोझ हुई है, अपने शीश में बनाने के अलावा।
उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बीजेपी ने तौर पर मांग है कि चंद्रयान 3 की सैंडिंग और G20 की सफलतापूर्वक बैठक को लेकर दिल्ली विधानसभा में एक सत्र बुलाया है। देखने वाली होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल सरकार विशेष सत्र बुलाती है या इस मांग को ठुकर